हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मैं हूं प्रेम और मैं आज आपके लिए 7th से 10th जेपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम कब तक होंगे इसके बारे में बताने वाला हूं। गाइस, मैं उन परिस्थितियों को भी डिस्कस करने वाला हूं जो जेपीएससी एग्जाम होने के लिए या एग्जाम ना होने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ पर कोई मनगढ़ंत एग्जाम डेट बता के मेरा वॉच आवर बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आज महज एक केस स्टडी में इस चीज़ को आपके सामने रखूँगा, कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कोशिश करूँगा कि अभी जो सरकार जेपीएससी और कैंडिडेट्स के बीच में एक टेंशन का माहौल बना हुआ है और ये कब ख़त्म होगा, इसके ऊपर एक केस स्टडी के तौर पर चर्चा करूँगा और आपको भी इस केस स्टडी में जेपीएससी के अध्यक्ष जो हैं वो अभी मौजूद हैं, लेकिन सुनने में आया है कि एक के छात्रा जो एक सदस्य थे वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। और आप जानते हो, जेपीएससी बोर्ड में कोई भी अहम केस जब तक बोर्ड के मेंबर्स अप्रूव नहीं करते उसके आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, अगर सीधी बात बताऊं तो बोर्ड मेंबर्स के ना होने के वजह से फिलहाल जेपीएससी द्वारा कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया जाएगा। जो जेपीएससी के अभी केस चल रहे हैं उनके ऊपर यानी और समय लग सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो नए बोर्ड मेंबर्स अपॉइंट करके ये प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती है। और दूसरी बड़ी बात है, माननीय न्यायालय द्वारा 6 जेपीएससी के पहले संपन्न हुई थी उसके रद्द करके जल्दी से जल्दी न्यू मेरिट लिस्ट बनाने के लिए जेपीएससी को आदेश दिया है। और आप जानते ही हो, लैंग्वेज पेपर के मार्क्स को जोड़ के जो मेरिट लिस्ट बनाया गया था वो सरासर नियम के विरुद्ध है, गलत था, और जिसके लिए ऐसा आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। और इसके साथ साथ जो भी अधिकारी इस काम में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर कार्रवाई करने की वो आदेश हाईकोर्ट ने दे डाला है। अभी सरकार के पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हाईकोर्ट के आदेश को माने यानी जेपीएससी को न्यू मेरिट लिस्ट और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई ये करने के लिए डायरेक्शन दे सके, या सुनवाई लंबा होने के वजह से आपको पता है ये 4 से 6 महीना लग जाएगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और आप अगर देखें तो एडवोकेट जनरल भी इस बात को बताया है कि हाईकोर्ट ने जो बातें बोली है उससे सरकार फॉलो करना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर एक लांछन लगेगा कि सरकार भी इस गड़बड़ी में संलिप्त है। तो सरकार आदेश का माने, इसमें समय तो लगेगा ही। ठीक है, और दूसरी चीज़ें ऐसे हैं, तो दूसरे ऑप्शंस में अगर सरकार जाएगा तो सरकार झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट में एक अपील दायर करेगी जो अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकती है, जो उसके ऊपरी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर उसका सुनवाई हो सकता है। इस बात को एडवोकेट जनरल ने साफ मना किया है और सरकार को ऐसा ना करने के लिए भी हिदायत दी है। सरकार अगर ऐसे काम करती है यानी अपील करती है और उसको लंबा खींचती है तो सरकार की समय के साथ साथ उसकी छवि भी धूमिल होती नजर आएगी, ये उन्होंने बोला। ओके दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि अधिकारियों पे 5 अगस्त से पहले कार्रवाई करने के लिए भी हमारे जो न्यायालय, माननीय न्यायालय ने आदेश दिए हैं। इसका एक ही मतलब है कि कम से कम 1.5 से 2 महीने 7th जेपीएससी को लगेंगे, यानी अभी जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो आप सोच के चलो कि 2 महीना तो पक्का लग जाएगा। अभी परिस्थितियों की घड़ी है, जो अभी परिस्थिति है उसमें आपको यही नज़र आ रहा होगा कि परीक्षा तो सरकार की है। ठीक है, यानी परीक्षा की घड़ी सरकार की है और आपकी घड़ी पढ़ने में लगा दोस्तों। गाइस, कितना आप इंतज़ार करोगे, इंतज़ार करने का भी एक हद होता है, लेकिन आप क्या करो, अपने पढ़ाई से कम अटैच होकर रहो ताकि कोई भी सरकार आए, कोई भी डिसीजन आए, आप जब भी एग्ज़ाम होगा अपना एग्ज़ाम्स मस्त और बहुत ही अच्छे तरीके से दो और अच्छे मार्क्स से क्लियर करो। ठीक है, क्योंकि जेपीएससी अभी एक एग्ज़ाम नहीं रह गया, आप सभी जानते हैं, ये एक स्ट्रगल हो गया, स्ट्रगल का नाम हो गया है।
तो आप स्ट्रगल को झेलना पड़ेगा, ठीक है। इस सरकार में, इस संघर्ष में अगर मैं एक कमेंट करूं सरकार को और स्पेशली यहाँ के वोटर्स को, तो ये बोल सकता हूँ मैं, 100 बार सोच के एक काम करो और एक काम करके 100 बार मत सोचो, ठीक है दोस्तों। और स्पेशल आपके लिए जेपीसी अभ्यर्थी जिन्होंने मुझे ठुकराया है मेरा वक्त देखकर, और कीजिएगा, जिन्होंने मुझे ठुकराया है मेरा वक्त देखकर, वे वक्त मैं ऐसा एक दिन वक्त लाऊंगा, उन्हें मुझे मिलना पड़ेगा मेरा वक्त लेकर। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और आप इसी तरह मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे जेपीएससी के बारे में। और दोस्तों आप जेपीएससी की तैयारी में लगे रहिए और जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ, ताकि आपको हमेशा न्यू से न्यू अपडेट्स आपको मैं पहुंचा सकूं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाने ना भूलें, ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ ले सकें। ओके, लेट्स क्रैक इट।